महाराष्ट्र के मित्रों आप सभी दर्शकों का स्वागत है। दो दिन पहले मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी के महाराष्ट्र के कामगार नेता आरम मास्टर ने एबीपी माझा न्यूज चैनल के माझा कट्टे में एक साक्षात्कार दिया, जिसमें उन्होंने कई मुद्दों पर खुलासे किए, मगर इसमें इस बात का विशेष एक विलक्षण था कि आने वाले 2024 के विधानसभा चुनाव में महाविकास आघाड़ी अगर उन्हें पाटिंबा देती है तो वो फिर से एक बार आमदार बन सकते हैं, अन्यथा वो कांग्रेस के विरुद्ध अपनी पूरी ताकत के साथ लड़ेंगे। इस साक्षात्कार में उन्होंने कांग्रेस के दिग्गज नेता सुशील कुमार शिंदे से इस बात की विनती की कि 2024 के लोकसभा चुनाव में वो विश्रांति ले और उनकी जगह उनकी पुत्री आमदार परिणीति शिंदे को खासदार के लिए ठहरा करें, जहां पर डावी आघाड़ी उन्हें पाटिंबा देकर चुनकर लाने का प्रयत्न करेगी, तो वहीं 2024 के ही विधानसभा चुनाव में रिक्त शहर मध्य की सीट पर महाविकास आघाड़ी आरम मास्टर इन्हें पाटिंबा दे। इस तरह का विश्लेषण किया तो क्या आने वाले वक्त में अगर कुछ इस तरह की घटनाएं घटती हैं तो आने वाले वक्त में शहर मध्य का या सोलापुर शहर का राजकारण कुछ अलग दिखाई दे सकता है। आज के वक्त में सोलापुर शहर मध्य की विधानसभा सीट के ऊपर कांग्रेस के सामने प्रमुख प्रतिद्वंदी के तौर पर एमआईएम ही है। 2014 और 2019 के चुनाव में दूसरे स्थान पर एमआईएम पार्टी ही थी, जो कि कांग्रेस के सामने कड़ी टक्कर देती हुई दिखाई दे रही है। तो क्या आने वाले वक्त में महाविकास आघाड़ी में दावी लोकशाही आघाड़ी का अगर पाटिंबा मिलता है तो आने वाले वक्त में क्या बहुत से समीकरण बदल सकते हैं, क्योंकि आने वाले 2024 के चुनाव में पिछले दो टर्म से इस सीट पर अपनी किस्मत आजमा रहे महेश कोटे भी आने वाले 2024 के चुनाव में उत्तर विधानसभा सीट से लड़ने की तैयारी कर रहे हैं। तो वहीं 2014 के विधानसभा चुनाव में एमआईएम की जड़ें मजबूत कर एमआईएम को सामान्य जनता तक पहुंचाने वाले तौफीक शेख पहलवान भी आने वाले वक्त में 2024 के विधानसभा चुनाव में दक्षिण विधानसभा से तैयारी कर रहे हैं। तो क्या आने वाले 2024 के लोकसभा और विधानसभा के चुनाव में महाविकास आघाड़ी में अगर कांग्रेस, शिवसेना, ठाकरेगढ़, राष्ट्रवादी और दावी लोकशाही आघाड़ी अगर एक साथ समाविष्ट होकर ये निवडणूक लड़ सकते हैं तो क्या आने वाले 2024 के विधानसभा चुनाव में शहर उत्तर और शहर दक्षिण और शहर मध्य में राजकीय समीकरण बदल सकते हैं? तो क्या 2024 के विधानसभा चुनाव में सोलापुर की राजनीति में शहर मध्य के कुछ प्रभागों तक सीमित एमआईएम पार्टी इन सभी के आगे अपना अस्तित्व टिका पाने में मजबूत होगी, या फिर एक धर्मनिरपेक्ष गुट की स्थापना कर सभी दिग्गज पार्टियां एमआईएम पार्टी के वजूद को खत्म करने का प्रयत्न करेंगी? इन सभी बातों को लेकर आपकी क्या राय है, इन बातों का जवाब आप हमें हमारे कमेंट सेक्शन में जरूर दें। अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब, लाइक और शेयर जरूर कीजिए और देखते रहिए महाराष्ट्र की न्यूज चैनल। हमारे चैनल महाराष्ट्र की आवाज़ को और ताज़ा खबरें पाने के लिए बेल आइकॉन को प्रेस